सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसर कल्याण की जानिब से आज ये हंगामी प्रेस मीट बुलाई गई है। इस प्रेस मीट का बुनियादी मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है 21 तारीख को, जिसे डॉक्टर एस सेल्वा कुमार सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब से 1 मंथ 7 क्रैश कोर्सेस का आगाज किया गया है। ये COVID-19 से रिलेटेड क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के बाद इट इज फॉलोड बाय ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। ये क्रैश कोर्सेस कर्नाटका के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ ज्वाइंटली इन कोर्सेस को चलाया जाएगा। उसी के बारे में आप तमाम को इन्फॉर्मेशन देनी है। इस क्रैश कोर्स की लास्ट डेट अनफॉर्चुनेटली कल है, 26 तारीख को हमें फॉर्म भरना है। तो इसमें जुमला 7 क्रैश कोर्सेस है, जिसमें 3 क्रैश कोर्स ऐसे हैं जो 12th स्टैंडर्ड साइंस पास किए हुए स्टूडेंट्स उसमें एनरोल कर सकते हैं। जैसा कि नंबर 1 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ये क्रैश कोर्स है जिसे 12th साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दूसरा फेल्बोटोमिस्ट, एक क्रैश कोर्स है जिसे 12th साइंस स्टूडेंट जो पास किए हैं 12th वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। फिर तीसरा कोर्स मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, ये भी 12th स्टैंडर्ड साइंस में पास किए हुए कैंडिडेट इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 4 ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें 10th पास किए हुए कैंडिडेट उसमें एनरोल कर सकते हैं। नंबर 1 जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, नंबर 2 होम हेल्थ, नंबर 3 मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, नंबर 4 जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस क्रिटिकल केयर। तो इस तरीके से जुमला 7 कोर्सेस हैं। मैं तमाम व्यूवर्स जो इसमें क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास या 12th साइंस पास होना चाहिए, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब तक सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसर कल्याण की जानिब से टोटल 42 कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है, और हमें बीदर से रिक्वेस्ट आ रही है, हमें हमनाबाद से रिक्वेस्ट आ रही है, हमें संतपुर औराद से रिक्वेस्ट आ रही है, हमें हुलसूर से रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये जितने भी बीदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स हैं जो इसमें क्वालिफाई करते हैं, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका इंटरेस्ट जाहिर करें, उसके बाद हमारी सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसर कल्याण की टीम उसको फॉलो करेगी। अब दूसरी बात यह है कि ये कोर्स कब शुरू होगा, कहां पे इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या ये सैलरी बेसिस पे रहेगी, इसका फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, इसके डिटेल्स आने अभी बाकी हैं। हम डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर से रابطे में हैं, उनका नाम बसवराज है, हम उनसे कंटिन्यूअस जो है रابطे में हैं। वो हमें कल लास्ट डेट खत्म होने के बाद कितने बच्चे एनरोल करते हैं उनको देखते हुए तमाम डिटेल्स हमें देंगे। अभी तक के कितने फॉर्म भरे गए? अभी तक हमने 42 कैंडिडेट्स के फॉर्म भरे, जिसमें लिमिट है, कैंडिडेट्स की लिमिट है या नहीं, अभी उसकी डिटेल्स हमें नहीं पता है कितने पोस्ट है। हमने बात की है स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर से, उन्होंने कहा है कि अभी डिटेल्स आने बाकी हैं। ये पूरे बसर कल्याण के हैं या पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट के? इसमें बीदर से भी 2 लोग हैं, हमनाबाद से 5 लोग हैं, होलसूर से 1 है, संतपुर औराद से 2 हैं, और अभी हमें 10 लोगों की रिक्वेस्ट आई है, उनके फॉर्म भरना बाकी है। तो इस तरीके से हम 50 से ज्यादा फॉर्म आज भरने की कोशिश करेंगे। ये हम कार्रवाई शुरू किया है दोपहर से लेकर के अब तक हम 50 से ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं। इसकी आज लास्ट डेट है? इसकी लास्ट डेट एज पर नोटिफिकेशन कल है, 26 तारीख लास्ट डेट है। और इसमें खास बात यह है कि फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल कैंडिडेट्स भी हमें एप्लीकेशन दिए हैं, जिसमें से 5 जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर और DHO से बात करके कि हो सके तो बसवा कल्याण में इसका ट्रेनिंग सेंटर दिया जाए। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है,